आज हम बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे, डेरिवेशन और डेविएशन दोनों के साथ, मतलब इसी में ही मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है। बियर लैम्बर्ट लॉ की ना तुम्हें नेम से ही पता चल रहा है कि एक कॉम्बिनेशन है किसका, बियर्स लॉ का और लैम्बर्ट लॉ का। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम और कंसेंट्रेशन के बीच में, यानी कि ए एल और सी के बीच में हम बेसिकली एक रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ इन विच वी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद इन द थिकनेस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, अकॉर्डिंगली लिख लेना। तो ए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और एल, ठीक है। अब ये बियर्स और लैम्बर्ट, हम दो साइंटिस्ट का नाम पता है क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बियर ने ये कहा था कि एब्जॉर्प्शन जो हमारी होती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी के, ठीक है। और लैम्बर्ट ने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल होती है एल के, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब ए के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने इकट्ठे कर दिया था उसको, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल, विच कम्स आउट टू बी, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने एक कोफिशिएंट लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगा दिया, तो हमने उसको लिया ए इक्वल्स टू ई सी एल, ठीक है। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलो ये तो हमने थ्योरेटिकली कोई कॉन्सेप्ट बता दिया। मैथमेटिकली क्या होता है, किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें इक्वेशन को कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो डी आई बाय डी बी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, ये हमारा क्या है, इक्वेशन का स्टार्ट है। तो इसको ज़रूर याद कर लेना, कुछ और याद करो ना करो, ये ज़रूर याद करना कि तुम्हारी इक्वेशन स्टार्ट होगी डी आई बाय डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, ठीक है। एट दी एंड हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ई सी एल, तो तुम बियर लैम्बर्ट लॉ याद करोगे तो तुम्हें एंड रिजल्टेंट याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी आई डी बी है क्या, जो भी चेंज होता है स्मॉल चेंज वो हम डी आई और डी बी से डिनोट करते हैं, जैसे कि डेल्टा कहते हैं जिसे, ठीक है। हाई इंटेंसिटी हो गई, सी कंसनट्रेशन हो गई। अब हम बात करते हैं, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने क्या लगाया, के लगाया एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देते हैं, डी आई बाई डी बी को रीअरेंज किया जब हमने, तो हमने आई की कंसनट्रेशन एक साइड ले ली और हमने दूसरी तरफ रख लिया के सी भी। तो हमने क्या किया, आई को जब हम लेफ्ट साइड लेके गए तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है, और उधर डी बी जो हमारा नीचे था डिवाइड में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं आई नॉट से आई टी तक, तो आई नॉट पे बी क्या होता है हमारा, ज़ीरो के इक्वल होता है, और आई टी पे यानी कि जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा, थिकनेस, वो बी के इक्वल होगा। कैसे डिटरमाइन किया, मान लो हम कोई भी कंडीशन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं कि एक्स तक होगा, है ना, ऐसे ही जब हमारी थिकनेस ही बी तक है, थिकनेस ही उतनी है तो हम ज़ीरो से बी तक जाएंगे। अब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन हो गया हमारा डी आई अपॉन आई, कहाँ से लेके कहाँ तक, आई नॉट से लेके आई टी तक, और बी का हो गया ज़ीरो से लेके बी तक। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, माइनस आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया के सी बी। अब क्योंकि ये माइनस में है तो हमने क्या किया, इसको आई टी को नीचे ले लिया और आई ओ को ऊपर ले लिया, ठीक है, इक्वेशन हमारी वही हो गई। दोनों साइड लॉग लगाने के बाद ना तो मेरा रियलाइज होगा, एक तरफ आ जाएगा लॉग आई नॉट अपॉन आई टी और एक तरफ आ जाएगा लॉग के सी बी, ठीक है। लॉग को जब डिवीजन में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2.303, मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो जब तुम ये डिटरमाइन करोगे ना, तो सी तो तुम्हें पता है कंसनट्रेशन होती है, बी तुम्हारी क्या है, एल है, ठीक है, और जो के बाय 2.303 है ना, ये तुम्हारी ई है, ई मतलब मोलर कोफिशियंट है, और जो तुम्हारा लॉग आई नॉट अपॉन आई टी आएगा वो ए होता है। अल्टीमेटली तुम्हारी इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, ए इक्वल्स टू ई सी एल। सो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बात करूँ अगर एप्लीकेशन की, तो कंसनट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल डिटरमाइन कर सकते हो, प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हो, एब्जॉर्बेंस, कंसनट्रेशन, लेंथ, फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा तुम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन एक और प्लस पॉइंट ये हुआ कि तुम यूवी के सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कि बियर लैम्बर्ट लॉ इज़ बे, यूवी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट लॉ ओनली। एसीएल तो वहीं से निकाल लिया, प्योरिटी सैम्पल डिटरमाइन कर सकते हो, और अगर तुम्हें याद हो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था यूवी की एक और पॉइंट, देख लेना इसे, अब नहीं बताऊँगी, ठीक है, इसे को याद हो तो कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट करना। बात करते हैं लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में क्या होता है,
वैलिड होता है ये बहुत लोअर कंसंट्रेशन पे, मतलब माइन्यूट 0.5, 1 या 2 इन्हीं कंसंट्रेशन पे हमें पता चलती है ये सब चीज़ें, ठीक है। और मोनोक्रोमैटिक लाइट पे, ऑब्वियसली यूवी पे बेस्ड है, मतलब मोनोक्रोमैटिक। बात करिए अगर बियोलाम्बे लॉ की डेविएशन की, तो डेविएशन क्या होता है, जब हम जो हमारा नॉर्मल पाथ होता है ना उससे जब हम डेविएट कर जाते हैं, मतलब हम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो होता है हमारा डेविएशन। अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो वो ऑबे करेगा बीएल लॉ, मतलब बियर-लैम्बर्ट लॉ। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगी, अगर नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन कहलाएगी। याद रखना ग्राफ हमेशा एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बीच में होता है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब डेविएशन कब होगा, डेविएशन एक तरीके की ना लिमिटेशन काइंड ऑफ थिंग ही है। डेविएशन मतलब कोई भी ऐसा चेंज जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे तो ACL के। तो सिंगल लाइट मतलब सिंगल मतलब मोनोक्रोमैटर का अगर यूज़ नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन सही होगा ना तो मतलब तुम अपने आप भी लिख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। पॉलीमराइजेशन ऑफ सॉल्यूट्स मतलब तुम्हारे सॉल्यूट्स अगर उनका पॉलीमर होंगे, मतलब वो पॉलीमर स्टेट शो करने लगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सॉल्यूट तुमने बनाया 0.5 का, ठीक है, वो अपनी उस कंडीशन में भी बिहेव कर रहा है लेकिन किसी और कंडीशन में भी बिहेव कर रहा है, तो तुम्हारा रिजल्ट डिफर कर जाएगा, मतलब पॉली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, किसी भी आयन में कोई भी सब्सटेंस का प्रेजेंस जो इम्प्योरिटी बनाते कंसनट्रेशन में, वो भी दिक्कत करेगा। एनी चेंज जिसकी वजह से तुम्हारी एब्जॉर्प्शन और कंसनट्रेशन में चेंज आएगा ना उसके ग्राफ में, वो तुम्हारी डेविएशन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ म्यूटेंट बता दिया। अब ये डेविएशन पता है कैसे कैसे हो सकते हैं, थ्रू डेविएशन भी हो सकते हैं, किसी केमिकल की वजह से भी हो सकती है और इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से भी हो सकती है। सो ये दीज आर द सेवरल पॉइंट, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स या यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।